टेक्निकल और फोटोग्राफी के बारे में जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फोटोग्राफी। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के आई है कि नोकिया इस दिवाली यानी कि इस 19 अक्टूबर को अपना नोकिया 7 फ़ोन चाइना में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि उसका रिपोर्ट आई है अभी जो नोकिया की तरफ से। उसमें ये बताया, उसने अभी इनवाइट देना लॉन्च इवेंट का इनवाइट देना स्टार्ट कर दिए हैं। तो शायद नोकिया 7 जो लॉन्च होगा वो 19 अक्टूबर को होगा। यह फ़ोन कुछ इस तरह दिखेगा और इसका जो कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा और जो इसकी डिस्प्ले है वो 5.5 होगी 2.5D, और इसमें जो बैटरी होगी वो 3000 mAh की होगी, और जो इसमें स्नैपड्रैगन होगा, जो उसका जो प्रोसेसर होगा वो स्नैपड्रैगन 630 होगा। और जो लीक्स निकल गया है उसके हिसाब से जो इसका प्राइस है वो 18,000 होना चाहिए इंडिया के हिसाब से। और ये फ़ोन 3 वेरिएंट के साथ आएगा, 3GB रैम, 32GB इंटरनल, 4GB रैम, 32GB इंटरनल और 4GB रैम, 64GB इंटरनल। और इसमें जैसे नोकिया 8 में जो फीचर्स थे वो इसमें भी होंगे। ये जो है आपका फ़ोन ये बहुत ही इफ़ेक्ट के साथ आएगा, यानी कि जो इसका कैमरा है वो फ्रंट कैमरा और आप बैक कैमरा एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उसे नोकिया ने बहुत ही नाम दिया है। आप इससे वो कैप्चर कर सकते हैं और इसमें जो ऑडियो है वो 3D साउंड आएगी, ये सराउंडिंग साउंड सुनाई देगी आपको इसमें। और ये फ़ोन है जो लुक में डिफरेंट होगा। अगर आपको फ़ोन लेना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अगर थर्सडे को ये फ़ोन लॉन्च होता है तो इस साल के एंड तक ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। और अगर आप नोकिया के फ़ैन हैं तो भरोसे वाली कंपनी है, तो आप वेट कर सकते हैं और इसका फ़ोन आसानी से ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।